गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में, जो पिछली क्लास में हमने ब्रिक के बारे में अध्ययन किया था, कि ब्रिक की संरचना के बारे में, उसके भागों के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में कि कैसे कार्य करता है, तो आज हम देखेंगे अपशिष्ट पदार्थ। तो ये पार्ट 3 रहेगा एक्सुडरी सिस्टम का, यानी उत्सर्जन तंत्र का ये पार्ट 3 रहेगा। तो इसमें जो किडनी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कैसे बनते हैं, कौन से पदार्थ यूजलेस होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ, अब देखें किडनी में किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें ये देखेंगे, पहला जो भाग होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ है ना। अपशिष्ट पदार्थ में पहला भाग क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ। जो दूसरा बनता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक, तो कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ में देखेंगे, कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, CO2 होता है। ठीक, CO2 होता है जो क्या होता है, लंग से बाहर निकलता है, आई ना वासनिक, जो फेफड़ों से क्या होता है बाहर निकाला जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कहाँ पे बनता है, लंग्स पे बनता है। ठीक है ना, तो हम केवल अपशिष्ट पदार्थ देख रहे हैं कहाँ पे कौन से पदार्थ बनते हैं, जो किसके अंतर्गत है, ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत है। तो कार्बनिक पदार्थ में CO2 जो फेफड़ों में पाया जाता है, फेफड़ों के अंदर बनता है। नाइट्रोजन पदार्थ में क्या क्या है, अमोनिया है। नाइट्रोजन पदार्थ में क्या है, अमोनिया, NH3। ठीक, दूसरा देखेंगे यूरिक अम्ल, दूसरा क्या है, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। और तीसरा जो नाइट्रोजन पदार्थ है वो क्या है, यूरिया। तीसरा क्या है, यूरिया। ठीक, सूत्र क्या होता है यूरिया, NH2CO NH2। ठीक, यूरिया क्या बोलते हैं, NH2CO NH2। तो ये क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ है ये तीनों, और ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ में फेफड़े। ठीक है ना, फेफड़ों में क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। ठीक, यहाँ तक आई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्टोन में, तो पेप्टाइड। ठीक है ना, पेप्टाइड। प्रोटीन किसमें टूटेगा, पेप्टाइड में। पेप्टाइड किसमें टूटेगा, पेप्टोन में। ठीक, और पेप्टोन किसमें टूट जाता है, अमीनो एसिड में। ठीक, प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है, पेप्टाइड पेप्टोन में, पेप्टोन अमीनो एसिड में टूटता है। ठीक, अब अमीनो एसिड में क्या होता है, ठीक है ना, जो अमीनो एसिड होता है इसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन, ठीक, नाइट्रोजन और अमोनिया। ठीक, कार्बन नाइट्रोजन और अमोनिया, NH3। तो क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक, डायरेक्ट यूरिया नहीं बन जाता है ना, कि ब्रिक में तुरंत यूरिया ही बनने लगता है, पहले कार्बन अमीनो एसिड कार्बन टूटता है, ठीक, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया और तब जा कर के वो यूरिया बनता है। ठीक है, अमोनिया ही का रूप यूरिया होता है, समझ गए ना, इतना है ना। जो गंध आती है मूत्र में किसकी आती है, बनता है तो यूरिया, यूरिया में थोड़ी गंध आएगी, जो उसका वही वो जिसका घटक है अमोनिया, तो अमोनिया की गंध आती है मूत्र में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। शरीर में एक ग्लैंड पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं, पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथ है ना, और यही पीयूष ग्रंथ क्या है, मास्टर ग्रंथ है, शरीर की मास्टर ग्रंथ कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथ, आई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक, मेन मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि सभी हार्मोन्स का नियंत्रण है ना, उसका सिक्रेशन उत्सर्जन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो कौन सा हार्मोन निकलती है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स। समझ गए ना इतना, चलो आगे देखते हैं। अब ये एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स का क्या काम होता है, एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एडीएच की यदि क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, अगर एडीएच की क्या हो गई, कमी हो गई, तो क्या होता है, पानी का अवशोषण क्या होता है, घट जाता है, और मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, पानी का अवशोषण क्या होता है, कमी होगी तो क्या होगा, पानी मतलब जो जल रहता है, पानी का अवशोषण घट जाता है, पानी का अवशोषण क्या होता है, घट जाता है, कब, जब एडीएच हार्मोन की कमी होती है। ठीक, जब पानी घटे तो क्या होगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, पानी का अवशोषण घट जाता है एडीएच हार्मोन की कमी से, और मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना, तो एडीएच क्या होता है, जब निकलता है तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस, क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस, कौन सी बीमारी हो जाती है, डाईयूरेसिस बीमारी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है ना, बार बार मूत्र आएगा, है ना, अचानक में, जिसको क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, किडनी से, मतलब पीयूष ग्रंथ है, सिक्रेशन कर रही है, ठीक है ना, लेकिन ये काम कहाँ पे करते हैं, ब्रिक पे प्रभाव अपना डालते हैं, आई बात सुन इतना। तो एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन्स है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो होता है ये क्या करता है, मतलब कहाँ से निकलता है, ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनल, इसको क्या बोलते हैं, अधिब्रिक, है ना, ब्रिक के ऊपर एक संरचना देखे थे, बनाई गई थी, तो अधिब्रिक ग्रंथ, ठीक, अधिब्रिक ग्रंथ पाई जाती है किडनी की साइड में। तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, एड्रीनल ग्रंथ जो होती है ना, या अधिब्रिक ग्रंथ होती है, कहाँ से निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, एड्रीनल या एथब्रिक ग्रंथ से, कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, जो क्या करता है, यही है, किस पर नियंत्रण करता है, ब्रिक पर कंट्रोल करता है। समझ रहे हो ना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्रिक पर नियंत्रण, है ना, कि अपने अनुसार इससे क्या करवाता है, कार्य करवाता है, ब्रिक इसी के हिसाब से क्या करता है, काम करता है, है ना, ब्रिक पर नियंत्रण करता है। यदि क्या होता है, अगर कार्य देखा जाए, किडनी के कार्य क्या होते हैं, है ना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो भी बताए भी गए और देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि बॉडी में, ठीक, यदि बॉडी में क्या हो जाती है, O2 की कमी, बॉडी में क्या होगी, यदि O2 की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी होती है, तो क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोएटिन, इसी अधिवृत्त से एक हार्मोन निकलता है, देखिए जब O2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बॉडी में, तो अधिवृक्क से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, ठीक है ना, जो क्या करता है, RBC जो होता है, इसकी मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, RBC की मात्रा,
ठीक है ना, जो मात्रा होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, बॉडी में ऑक्सीजन कमी होगी। अब ऑक्सीजन कमी का अगर ब्लड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, बहुत सारा ब्लड शरीर में रहेगा तो ऑक्सीजन भी उतनी बनेगी, है ना। क्योंकि ब्लड में ही क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है ना, सभी लोग जानते हैं। आई बात में इतना, फिर आगे आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पथरी है ना, जो किडनी में पथरी बनती है। अब इसमें देखें किस प्रकार से पथरी बनती है, कितने प्रकार से बनती है। तो एक क्या बनता है, कैल्सीटोनिन। एक क्या बनता है, कैल्सीटोनिन बनता है, समझ रहे हो ना। अब ये कब बनता है, एक हार्मोन्स होता है पैरा थायराइड हार्मोन्स, पैरा थायराइड्स हार्मोन्स क्या हो जाता है, जब अनियंत्रित हो जाता है ना, इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, अपना कंट्रोल खो देता है। जब कंट्रोल खो देता है तो यहीं से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना। पिछली वीडियो में बताया गया था कैल्शियम ऑक्सलेट जिसे पथरी बोलते हैं, तो मेन यही होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, समझ रहे हो ना। सूत्र क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, CaC2O4, CaC2O4 ये क्या है, पथरी है, इसी को क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। ठीक, आई बात समझ ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ढेर सारा हम नॉलेज दे पाएँ, है ना, आप तक वीडियो पहुंच पाए। तो धन्यवाद।